वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रहा है वाइट सॉस पास्ता। बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्रीमी और चीज़ी सा बनता है। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। मेरी सिस्टर की पसंद का है, मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, इसलिए वो बनवा के जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो वो बनवा के ज़रूर खाती है, एक से दो बार तो खा ही लेती है। तो चलें बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। मैंने जैसे बताया कि आज वाइट सॉस पास्ता बन रहा है, जिसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम पास्ता ले लेंगे। मैंने ये सिलेंडरी टाइप जो शेप होती है सिलेंडरी की, उस शेप का ले लिया है पास्ता। आप कोई से भी शेप का ले सकते हैं पास्ता, मेरे पास ये रखा हुआ था पास्ता और तो मैंने ये ले लिया है। गाजर ले ली है, हाफ़ मैंने गाजर ली है, हाफ़ मैंने कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च, अगर आपके पास ग्रीन शिमला मिर्च नहीं हो तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। चिकन ले लेंगे हम, चिकन मैंने ले ली है, एक पाव से भी बहुत कम है ये, और क्योंकि थोड़ा सा इतना सा पास्ता बना रहे हैं हम तो उसके लिए काफ़ी है, एक प्लेट का पास्ता ही बना रही हूँ मैं सिर्फ। और फिर हम ले लेंगे नमक, ये हाफ टी स्पून है, क्योंकि मैंने पास्ता में भी डाला है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। और फिर मैं बटर भी यूज़ करूँगी, तो ये भी सॉल्टिश है तो इसलिए मैं ये भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने हाफ टी स्पून लिया है। और हाफ टी स्पून मैंने हाफ टी स्पून ले ली है पिसी हुई काली मिर्चें, और चेडर चीज़ ले ली है मैंने, ये चेडर चीज़ है, ये खुल गई है तो ये इस शेप में आ गई है अभी, तो ये ले ली है मैंने थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून मैंने चेडर चीज़ ले ली है। और मैदा ले लेंगे, दूध ले लेंगे, 1 गिलास दूध लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने वाइट फ्लावर कह लें या मैदा कह लें वो ले लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर है। और ये बटर ले लिया है, बटर आप अनसॉल्टेड भी डाल सकते हैं, और मैंने मेरे पास ये था प्रोवाइड तो मैं इसी से बना लूँगी। चलें बनाते हैं पास्ता, एक स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद हम प्रोसेस के तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम बटर ले लेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन में आप कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। मैं इसमें बारबेक्यू सॉस डाल लूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च डाल लूँगी सिर्फ। हम सौते कर लेंगे इसे। बटर में अगर वाइट सॉस पास्ता बनाए तो बहुत यमी बनता है, लेकिन आप बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बटर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखो नहीं आप आके भी गई हूँ। ये इसका चिकन का कलर
चेंज हो गया है, तो हम इसमें सॉसेस डालेंगे। इसमें मैं डालूंगी ओनली बारबेक्यू सॉस 1 टीस्पून, क्योंकि बहुत कम है ये। और कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी, हाफ से भी कम मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि अभी मैंने पिसी हुई काली मिर्ची भी डाली है इस सॉस में, व्हाइट सॉस पास्ता में। व्हाइट सॉस में मुझे काली मिर्ची डालनी है, तो उस लिहाज से आप इसमें मैनेज करेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची, सॉरी कुटी हुई लाल मिर्ची। डाल लेंगे सारी वेजिटेबल्स जो कि मैंने काटी थी, शिमला मिर्च और गाजर। ठीक साथ हो जाओ, हम साथ कर लेंगे। बस इतना पकाएंगे कि चिकन डन हो जाए, और मेरी चिकन डन हो चुकी है। मैंने इसको पकाया है 3 मिनट तक। चिकन पकने के बाद हम उतार लेंगे इसे। 3-4 मिनट तक मैंने, 3 से 5 मिनट तक मैंने चिकन पकाई। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाल के 3 मिनट और मज़ीद चिकन और वेजिटेबल को दिए, और अब मैं उतार लूँगी इन सबको। फिर हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस। ये देखिए मैंने उतार ली है ये चिकन और वेजिटेबल्स। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, उसके लिए भी हम ले लेंगे बटर, थोड़ा सा बटर ले लेंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। इसमें मैंने ऑयल भी डाल लिया है, मुझे पता नहीं चला कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है। इसमें मैंने डाल लिया है ऑयल भी। अब हम सौते करेंगे मैदे को। 2 टेबल स्पून जो मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया था उसको सौते कर लेंगे, जैसे कि हम हर हलवे के लिए सूजी का, जैसे कि हम हलवे के लिए सूजी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम सौते कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। भून गया है, अच्छे से खुशबू आने लगी है, तो अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क। आराम आराम से डालेंगे और इसको रख देंगे साइड में, और मिक्स ले लेंगे। चलो मैं मिला के मिलती हूँ। अब ये मिक्स हो गया है, तो इसमें हम चेडर चीज डाल लेंगे। और ये देखें कितना अच्छा बना है ये सॉस, मैं आपको दिखाऊं। ऐसे मजे से सॉस, जैसे चीज चीज ही डाली है सिर्फ,
और एक ही डाली है चीज़, मैंने ज़्यादा डाली भी नहीं है चीज़। ये सॉस डन हो गया, अब इसमें हम डाल लेंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई की थी वो डाल लेंगे, और पास्ता डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम डाल लेंगे नमक और काली मिर्चें। अब हम इसे हो गया है पास्ता डन। ये देखें ये कितना अच्छा क्रीमी सा चीज़ी सा पास्ता तैयार है हमारा। चलें अब सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं।